दोस्तों भारत में गोवा जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है, क्योंकि कई सारे जो विजिटर्स हैं, यहाँ तक कि फॉरेन के लोग भी गोवा घूमने के लिए आते हैं, वहाँ की नाइट लाइफ के लिए, वहाँ की जो डांस है, वहाँ का कल्चर है, उन सब का मज़ा लूटने के लिए, वहाँ के जो बीचेस हैं उनको देखने के लिए। तो दोस्तों क्या CID की टीम भी गोवा जाने वाली है? लेकिन आपको पता ही होगा CID की टीम जो है वो बिना किसी रीज़न के कहीं पर भी नहीं जाती। तो गोवा पर ऐसा कौन सा केस होने वाला है जहाँ पर CID की टीम गोवा जाने वाली है, और क्या CID की टीम गोवा में मस्त भी करेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों CID की टीम काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, और जहाँ पर भी लोग CID देखते हैं वहाँ पर CID की टीम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि CID के जो दया सर है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो दया सर, अभिजीत सर और बाकी की जो CID टीम है वो जाने वाली है गोवा, वो भी एक हफ्ते की ट्रिप के लिए। तो गोवा CID की टीम क्यों जा रही है? तो दोस्तों एक केस आने वाला है जहां पर एक लड़की की लाश मिलती है गोवा बीच के आसपास, और उस केस को सुलझाने के लिए CID की टीम वहां पर जाती है। दोस्तों आपको लगता होगा ये एक नॉर्मल मौत है या फिर कत्ल का केस है, लेकिन ऐसा नहीं है। CID में आने वाला कोई भी केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमारे CID के जो एक्टर्स है, और जिसमें डॉक्टर सालुंग है और डॉक्टर तारिका जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनका काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो हो जाइए तैयार दोस्तों इस केस के रहस्य को देखने के लिए, इस केस को सुलझाते हुए CID टीम को देखने के लिए।